हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखा रही, देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बन भी आसानी से जाता है। इस तरह से आप ये जन्माष्टमी में बना करके लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकते हैं। ये बहुत ही झटपट से बन भी जाता है। अगर आपको कभी इस तरह से स्वीट खाने का मन हो तब भी आप इसको बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको सिर्फ जन्माष्टमी में प्रिपेयर करें, बट एकदम इजी तरीके से बन भी जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम ये फटाफट से टेस्टी टेस्टी मेवा पाक बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम ये मेवा पाक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले इस तरह से इंग्रेडिएंट तैयार कर लेंगे ताकि हमें बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 कप ये नारियल ले लिए, सूखा जो नारियल के गोले आते हैं उसको हमने ग्रेट कर लिए सिंपली। और इसी के साथ में मैंने ये 1 कप ये मखाने ले लिए हैं, और हमने 1/4 कप काजू, 1/4 कप हम बादाम, और सेम क्वांटिटी में ये मेलन सीड्स ले लिए, खरबूजे के बीज हैं ये, और हमने 2 टेबलस्पून खसखस ले लिए हैं, पॉपी सीड्स। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसमें से अगर कोई भी चीज आपको नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। और हम ये घी ले लिए, घी हमें जितना जरूरत होगा हम उतना ही यूज करेंगे। और सेम क्वांटिटी में हमने 1 कप शुगर ले लिए, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और सेम हमने ये 1/4 कप ये हमने इस तरह से गोंद ले लिए हैं। देखिए ये आपको ये सारी चीजें इजिली एकदम मार्केट में किसी भी किराना स्टोर में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं बनाने की तरफ। अब हम गैस की तरफ चल रहे हैं। तो ये देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा ली, गैस ऑन कर लिए, और मैं इसी में डालूंगी सबसे 2 चम्मच ये घी। घी को भी हम मेल्ट होने दे रहे हैं। तो ये देखिए घी गर्म हो गया, और इसी में हम ये बादाम, और इसी के साथ हम ये काजू इसमें डाल देते हैं, और इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। आप इस तरह से चाहें तो इसको कट करके भी रोस्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको बाद में कट करूंगी, पहले हम इस तरह से इसको रोस्ट कर लेते हैं कुछ 1 मिनट तक अच्छे से। इसमें क्रंच भी बढ़िया रहेगा इस तरह से रोस्ट करके डालेंगे तो, और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है रोस्ट करने से। तो ये देखिए इस तरह से काजू और बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गया। तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं इसको निकाल करके एक प्लेट में रख ले रही हूँ, और अभी हम वापस से इस तरह से 1 चम्मच और ये घी डाल देते हैं, थोड़ा सा और भी डाल देते हैं, करीबन हम 1.5 चम्मच घी भी और डाल दिए। और इसी में हम ये गोंद को इस तरह से इसको भी हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। अगर हम कम घी में इसको फ्राई करेंगे ना तो ये ऊपर से तो फूले फूले दिखेंगे बट अंदर से क्रंच नहीं रहेंगे, इसलिए इनको हम अच्छे घी में इसको अच्छे से फूल ले रहे हैं, फुला ले रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया, ये देख सकते हैं पॉपकॉर्न की तरह ये फूल रहा है। तो बस अच्छे से इसको हम चलाते हुए इसको हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये भी अच्छे से फूल गया, इसको भी हम निकाल करके प्लेट में रख ले रहे हैं। और इसी घी में ही हम ये मखाने को भी अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे, ये भी अच्छे से क्रंच हो जाए। इसको भी हम इसी घी में अच्छे से मखाने को भी रोस्ट कर ले रहे हैं, बस अच्छे से क्रिस्पी करना है हमें। तो ये देखिए मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। मैं एक मखाना ये लेके देखती हूँ, बहुत गर्म है ये, तो ये देखिए कितना बढ़िया सा आवाजें आ रही है। ये अच्छे से रोस्ट हो गया, अब इसको भी हम निकाल ले रहे हैं प्लेट में। तो ये हम मखाना निकाल लिया, इसी कढ़ाई में ही ये थोड़ा सा ये जो नारियल है इसको भी हम बस हल्का सा ही कुछ 1 मिनट तक बस इसको भी हल्का सा ही रोस्ट कर लेते हैं। इसको जरूरत नहीं है बट इस तरह से कढ़ाई में घी लगा था तो मैंने सोचा कि इसको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। और इसी के साथ में ये मेलन सीड्स भी इसमें डाल दे रही हूँ, बस इसको भी हम अच्छे से इस तरह से हल्के से इसको बस 1 मिनट तक इसको हमें ज्यादा नहीं रोस्ट करना है। और इसी के साथ में इसमें खसखस भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमने बाकी सारी चीजों को रोस्ट किया है, तो हमने सोचा कि इसको भी इसी में डाल करके 1 मिनट तक बस हल्का से ही इसको रोस्ट कर लेंगे। अब ये 1 मिनट हो गया, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। अब हम वापस से वही कढ़ाई ले लिए, आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया टिश्यू पेपर से, और अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो ये हम पानी हाफ ऐड करेंगे,
ये हम बहुत ज्यादा पानी नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होगा चाशनी हमारा बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने 1 कप ये शुगर लिए थे और 1/2 कप ये पानी लिए हैं, और अब हम इसको अच्छे से डिजोल्व होने देंगे। और इसके लिए हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इसको डिजोल्व होने दे रहे हैं, जब तक हमारी ये चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम ये सारी चीजों को मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब हम ये मिक्सर का जार लिए और पहले हम इसमें जैसे ये मखाना को पहले हम ये पीस ले रहे हैं। तो हमें सारी चीजें एक साथ नहीं पीसना है, एक एक करके हम इसको अलग अलग पीसेंगे, क्योंकि हमें बहुत फाइन इसका पाउडर नहीं तैयार करना है, इसको हमें रोक रोक के तैयार पीसना है। पल्स मोड में हम इसको पीस करके तैयार करेंगे। अब मैं इसको कवर करके पीस ले रही हूँ। तो ये देखिए, इसको हमने बहुत चिकना नहीं पीसे हैं, थोड़े से इसमें आप देखिए चंक्स भी इस तरह से दिख रहे हैं। तो बस हम इसी तरह से इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। और अब मैं इसी में ये इस तरह से काजू और बादाम को भी हल्का सा बस इसको रुक रुक के चलाऊंगी, एक साथ नहीं चलाएंगे तो ये पाउडर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो बारीक कट कर लीजिए, बट मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको पीस ले रही हूँ। तो ये देखिए, इसको हमने बारीक नहीं किया, आप देखिए थोड़े से इसमें चंक्स दिख रहे हैं। अगर आपको लगे कि बहुत बड़े इसमें चंक्स है तो आप उसको इस तरह से चाकू से इसको कट कर लीजिए, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है ये देखिए। अब हम वापस से जार में ये गोंद को भी इस तरह से पीस लेंगे। तो ये सारी चीजों को हम इस तरह से पीस करके लेंगे। तो ये देखिए, हमने गोंद को भी पीस लिए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह सा हो गया है। अब इसको भी हम सारी चीजों के साथ में इसको निकाल करके रख ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देखिए शुगर भी अच्छे से डिजोल्व हो गया है, और अभी आप देखिए चाशनी में भी कितना बढ़िया से इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। अभी चाशनी पूरी तरह से हुआ नहीं है, बस मैं दिखाऊंगी इसको, बस 2 मिनट तक हम और अच्छे से इसी तरह से इसको हम गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ये चाशनी को चेक करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत गर्म है, इस तरह से हम हाथ में लगाएंगे और मैं आपको उसका तार दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे से पास में दिखा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हमें इसी तरह से चाहिए, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा इस तरह जुड़ा हुआ तार नहीं चाहिए। बस ये अब बन रहा है, आप देखिए बिल्कुल ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये कोकोनट को रोस्ट करके रखे थे, पहले हम इसको इस तरह से डाल दे रहे हैं, और पहले हम इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको मिला ले रहे हैं। फिर हम इसमें तो जो हमने मखाना, काजू, बादाम सब पीस करके रखे इसको हम डालेंगे। पहले इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से आप देख सकते हैं मिक्स भी हो गया है। और अब हम इसमें सारी चीजें ये ऐड करेंगे। ये हमने गोंद, मखाना, काजू, बादाम सारी चीजें हमने इसमें पीस के डाल रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह से हाथ से इसको क्रश भी कर सकते हैं, या जो कूटने का आता है उससे भी आप इसको कूट सकते हैं, अगर आप मिक्सर में डाल करके इसका पाउडर नहीं तैयार करना चाहते हैं तो। बस इस तरह से हमने सारी चीजों को मिला लेना है। ये सारी चीजों को हम मिला लेंगे और इसको हम 1 मिनट तक बस पकने देंगे। तो आप ये देखिए, आप देख सकते धीरे धीरे ये कढ़ाई भी इस तरह से छोड़ रहे हैं। बस 1 मिनट तक ये सारी चीजों को अच्छे से हम पका ले रहे हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं 1 मिनट हो गया, ये आप देखिए बिल्कुल आप कढ़ाई भी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लिक्विड नहीं है, अब ये परफेक्ट है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसको हम 2 मिनट तक इसी तरह से कढ़ाई में रहने देंगे, फिर हम इसको सेट करने के लिए डालेंगे। तो ये देखिए, फिर मैंने इस तरह से ये बर्फी वाला ट्रे है, इसको मैंने पहले से इस तरह से घी से ग्रीस कर लिए थे। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप थाली में भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। अब हम इस तरह से इसमें पूरा डाल ले रहे हैं, फिर इसको हम सेट करेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया से देखिए इसमें गिर रहा है, और फिर इसको हम अच्छे से एक बराबर फैला करके इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसको एक बराबर फैला करके इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। तो इसको हम पहले अच्छे से फैला ले रहे हैं, और हमें एक बराबर ही फैलाना है, और फिर अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब इसको हम कट करेंगे। तो मैं पहले इसको फैला ले रही हूँ एक बराबर। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से एक बराबर आप देखिए हमने इसको फैला लिए हैं। अब हम इसको सेट होने देते हैं, फिर हम इसको बाद में काटेंगे। तो अभी हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह से किचन में ही। अब ये देखिए 15 मिनट हो गया है, अभी हम इसको कट लगा लेते हैं, बट अभी हम इसको निकालेंगे नहीं। आप साइज जैसा भी आपको
छोटा बड़ा जैसा कट करना है उस हिसाब से कट कर लीजिए। तो मैं अभी पहले ये कट लगा लेती हूँ, फिर अभी मैं इसको निकालूंगी नहीं, इसको थोड़ा सा हम सेट होने देंगे। तो इसको हमें थोड़ा सा गर्म में ही इसको कट लगाना था, ये बाद में कट होने में दिक्कत होती है, फिर इसीलिए इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से अभी ये बहुत ही आसानी से कट भी हो जा रहा है। अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो कट होने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म में इस तरह से हम कट लगा ले रहे हैं। और अभी मैं इसको इसी तरह से छोड़ देती हूँ 15-20 मिनट के लिए, फिर हम उसको निकालेंगे। अभी ये गर्म है, गर्म में हम इसको निकालेंगे नहीं, ताकि अगर हम गर्म में निकालेंगे तो ये नीचे से प्रॉपर अच्छे से निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सेट होने देते हैं। तो ये देखिए, ये आप देखिए कितना बढ़िया से ये सेट भी हो गया। अब मैं आपको निकाल करके इस तरह से दिखाती हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया से ये सेट भी हुआ है। और ये देखिए, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम इजी तरीके से ये हमारा टेस्टी इस तरह से मेवा पाक बन करके तैयार हो गया। तो हम ये बाकी का भी निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से, आप ये देखिए एकदम इजी तरीके से ये निकल भी जा रहा है। तो देखिए इसका टेक्सचर भी आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर भी आया है, एकदम झटपट से बन जाता है। अगर आपको कुछ इस तरह से मीठा खाने का भी मन हो तब भी आप इसको इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये आप जन्माष्टमी में बनाइए, लड्डू गोपाल जी को इस तरह से इसका भोग भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्टी मेवा पाक बन करके तैयार हो गया। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप घर में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।